ऑप्टिक्स चल रही है अपनी, रे ऑप्टिक्स बुक का सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये, सबसे ज्यादा नंबर एक क्वेश्चन आते हैं इसमें से और अगले पार्ट में से मिला कर रे ऑप्टिक्स में से और वेव ऑप्टिक्स में से मिला के 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे सर, 9 नंबर, और 9 में से भी 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसमें से भी आएगा और एक इसके अथवा में आएगा वो अगले चैप्टर में से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी आएगा नेक्स्ट में से भी आएगा, तो 9 में से भी लगभग ये मान लो 6-7 नंबर का पेपर तो यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि करना तो पड़ेगा एक ही होगा, 4 नंबर का यहाँ से आएगा नेक्स्ट में से भी आएगा, तो जिसने यहाँ से अटेंड कर लिया तो वो इसमें से आएगा न्यूमेरिकल, इसमें से जरूर आएगा वो भी इसमें से डायरेक्ट अटेंड हो जाएगा, तो इसीलिए ये जो चैप्टर है वो ऑप्टिक्स के दोनों भागों में भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बड़ा क्वेश्चन 100% आ गया है। उसके लिए टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो कल हमने पिछली क्लास की थी जिसमें हमने किया था नैस निर्वात्री सूत्र, उससे पिछली क्लास की थी हमने जिसमें हमने किया था अपवर्तक सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र दो, और अब तो चल रहे हैं तो नॉर्मल मान सकते हैं हम इनको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए उनमें ये पूछे जाएंगे, जैसे लेंस शक्ति है इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, मात्र भी आ चुकी है लेंस शक्ति का मात्र क्या होता है एक नंबर में, ये बात भी पूछी जा चुकी है, फिर उसके बाद आ जाएगा प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म अगला तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी दो आप नोट कर लें बिल्कुल, और उनको नहीं किया तो अच्छी तरह से करके देख लें, लेंस निर्मात्री सूत्र और गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन का सूत्र, तीसरा फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्रिज्म से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे, एक प्रिज्म वो आपके प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी, उसके प्रैक्टिकल की भी वीडियो हम एक दो दिन में अभी बच्चों को करवाएंगे स्कूल में, तब साथ ही शूट करके साथ ही डाल देंगे, और उसके बाद में एक टॉपिक आएगा सूक्ष्मदर्शी, उसमें भी थोड़ा डेरिवेशन पार्ट है, तो ये चार टॉपिक आप लिख लें इस चैप्टर के, चार टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इनको आप अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से करके देख लें और अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, कहीं दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें तो हम इसका सॉल्यूशन भी जो है वो डाल देंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फिर रिवाइज कर रहा हूँ चारों टॉपिक को अच्छी तरह से आप पढ़ लें, टॉपिक नंबर एक गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र, और ये है 17/2021 के लिए डेफिनेटली 100% एक क्वेश्चन आएगा इनमें से, दूसरा है लेंस निर्मात्री सूत्र, तीसरा आप पढ़ेंगे प्रिज्म, प्रिज्म में एक दो बातें पढ़ेंगे वो पूरी आपको पढ़नी है, और फिर उसके बाद आएगा सूक्ष्मदर्शी जिसमें सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये चार टॉपिक जो है वो बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से आप पढ़ लें, नोट कर लें कि ये टॉपिक आप अच्छी तरह